गाइस इट्स अ सैड न्यूज। तो हेलो गाइस, हम ये अभी आ रहे हैं। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज यहाँ पे फिर से नवरत्न यूनिवर्सिटी में मैं आ गया था अलीराजपुर से। अभी अभी एक प्रोग्राम होने वाला है आज, आज है शायद राइजिंग स्टार का प्रोग्राम होने वाला है शाम को। अभी एक लेक्चर हुआ है हमारा, अभी नेक्स्ट अभी थोड़ा टाइम एक और लेक्चर है, उसके बाद यहाँ पे अभी ब्रेक लेंगे और 4 बजे शायद प्रोग्राम होने वाला है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, ये व्लॉग में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे और बहुत ज़्यादा फन करेंगे। अभी मैं लेट आ रहा हूँ, मेरा लेक्चर है आगे का व्लॉग बाद। ओके गाइस, नाउ इट्स अ ब्रेक टाइम और अभी बज रहे हैं 12। अभी 12 से एक हमारा ब्रेक है, उसके बाद एक से दो एक और लेक्चर है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। 2 से 4 हमको बिल्कुल फ्री बैठना है और उसमें पढ़ाई लिखाई करनी है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं। और अभी आपको यहाँ से माहौल बताता हूँ, धीरे धीरे सब आएंगे अभी कैंटीन में यहाँ पे। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी कोई नहीं आया, धीरे धीरे आएंगे, हम भी नीचे ही जा रहे हैं बस। ओके गाइस, और आज का देखते हैं राइजिंग स्टार्स। गाइस इट्स सैड न्यूज, अभी राइजिंग स्टार यहाँ पे कैंसिल हो गया है। कैंसिल नहीं कह सकते, इन द सेंस पोस्टपोन हो गया है। अभी यहाँ पे राइजिंग स्टार आज नहीं होने वाला है, वो मंडे को होगा। मैं 2 बजे से बैठा हूँ, अच्छा है मैंने पढ़ लिया, 2 बजे से बैठा हूँ, अभी 5:30 बज गए। मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला आज राइजिंग स्टार कैंसिल है, मैन। ओके गाइस, आज के बस अब ये व्लॉग कंटिन्यू करेंगे मंडे को। तो गाइस इस अभी तो मैं पूरा क्या ही बोलूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। अभी जा रहा हूँ घर, फिर इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे मंडे को। गाइस सैड, और गाइज लिटरली पूरी कॉलेज खाली है। 5:30 बजे तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, आज कोई भी नहीं है कॉलेज में, ऑलमोस्ट पूरा सब क्लीन है यहाँ पे। Several days later. तुझसे ही तो मिली है याद, तू ही तो मेरी है चाह, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी। तेरी यादें है कुछ अधूरी, सांस बाकी है कुछ पूरी। तेरे दिल की गलियों से
The next day. So, okay guys, हमारा कल था राइजिंग स्टार का प्रोग्राम जिसमें मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मेरी एग्जाम चल रही है अभी, और आज फिर से अभी एक प्रोग्राम होने वाला है। आज है नौ खेलिया लाइक आफ्टर नवरात्रि का प्रोग्राम होने वाला है। मैंने गरबा के मेरे बहुत ज़्यादा ही व्लॉग हो गए थे, इसलिए सोचा ये और राइजिंग स्टार का व्लॉग मैं कंबाइन करने वाला हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, बस गाड़ी पे ही बैठा हूँ लिटरली। मैं भूल गया था व्लॉग चालू करना, अभी निकलता हूँ, बस ऐसे जा रहा हूँ जहाँ पे हमारा प्रोग्राम होना है। नौ खेलिया बोलते हैं हमारे जो नवरत्न का प्रोग्राम होता है, बस आ जाऊँगा और आगे का आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये प्रोग्राम होने वाला था 3 दिन पहले, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश थी इसलिए प्रोग्राम नहीं हो पाया था। आज पोस्टपोन होकर आज हो रहा है ये प्रोग्राम, पर मैं थोड़ा लेट हूँ, 7:30 बज गए। अभी निकलता हूँ और वहाँ जाकर आपको बताता हूँ। खाली फोटो शूट कर रहे हैं, गरबा आता नहीं हमको, इसीलिए बस ऐसे ही इधर फोटो शूट। सो गाइस, यहां पे भी गरबा चालू हो गया है, लाइक एक राउंड हमें खत्म भी हो चुका है अभी, और हम लोग ऐसे ही हमें टाइम पास कर रहे हैं। अभी हमारे पीछे अभी फिर से एक और बार यहां पे गरबा चालू हो गया है। ओके गाइस, आई होप आपको हमारा जो नौ खेल है यहाँ और राइजिंग स्टार का प्रोग्राम अच्छा लगा हो। एक्चुअली मैं क्या करने वाला था, मेरा पूरा प्लान था राइजिंग स्टार का पूरा व्लॉग अलग और नौ खेल है अलग, लेकिन क्या हुआ था, जब अभी मेरी एग्जाम चल रही थी, राइजिंग स्टार जिस दिन होने वाला था ना, उस दिन अगर हो जाता तो मैं ही कवर कर सकता था वो पूरा प्रोग्राम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी एग्ज़ाम चल हो गई और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब मेरी एग्ज़ाम्स थी और मंडे को ही राइजिंग स्टार था, और उसके बाद वेडनेसडे को खेले या था नौ खेले या जो हमारा नवरचना का प्रोग्राम होता है जो आफ्टर नवरात्रि होता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा ही फन किया हमने। और अब क्या है, हमारा प्रोग्राम्स ख़त्म आ जाने के, अभी मेरी एग्ज़ाम्स ही चल रही है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये दोनों हमारे इवेंट्स अच्छे लगे हो, और अब से गारंटी रेगुलर आएंगे, क्योंकि अभी क्या है, मेरी एग्ज़ाम चल रही थी ना तो ज़्यादा मैं उस पर फोकस था। अब थोड़ा सा मैं फिर से YouTube पे रिदम बना रहा हूँ। गाइज सपोर्ट एंड ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो इफ़ यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जो BBA में हैं, उन्होंने ये वीडियो मुझे ला के दी है। सारी क्लिप्स मेरे पास नहीं थी, लिटरली नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने एक क्लिप्स ला के दी, तो ही मेरा ये व्लॉग पॉसिबल हो सकता है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। If you like the video, like कर दो, share कर दो, subscribe कर दो, and
थैंक्स फॉर वॉचिंग।